जय हिंद दोस्तों, ओम फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त भरत चौधरी। दोस्तों, जैसे कि आप ओम फार्मेसी चैनल में प्रत्येक वीडियो में नई दवा की जानकारी पाते हैं, वैसे ही आज हम जानेंगे एंटीबायोटिक यूरोप्स की एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन के बारे में सामान्य जानकारी। दोस्तों, यह दवा ज़्यादातर डॉक्टर, फार्मासिस्ट और जनरल प्रैक्टिशनर की फर्स्ट चॉइस मेडिसिन है। काफ़ी सारे इन्फेक्शन में इसे यूज़ किया जाता है दोस्तों, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न रहता होगा कि इस दवा को किस पर्टिकुलर इन्फेक्शन में देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, साथ ही इसकी कितने दिनों की डोज होती है। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में इसके यूज़ के बारे में डिटेल में बताऊंगा, साथ ही मैं बताऊंगा इसके साइड इफ़ेक्ट और वार्निंग के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि हर दवा की पूरी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एंटीबायोटिक क्या है। जब हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो वो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए और वो बैक्टीरिया को मारने के लिए जो दवाई दी जाती है उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। दोस्तों, एंटीबायोटिक कई तरह की होती है और वो ग्रुप्स में डिवाइड होती है। दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलॉइड ग्रुप्स की एंटीबायोटिक है। इस ग्रुप्स में एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और भी कई सारी दवाइयाँ आती है। दोस्तों, अब जानेंगे एजिथ्रोमाइसिन के डोजेस फॉर्म और स्ट्रेंथ के बारे में। दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन की प्रिपरेशन कई तरह के डोजेस फॉर्म में और स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जैसे कि पहला है टेबलेट फॉर्म। एजिथ्रोमाइसिन की टेबलेट कॉमनली ज़्यादा यूज़ की जाती है। एजिथ्रोमाइसिन की टेबलेट 250 mg, 500 mg और 600 mg और 1 g की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, दूसरा है सस्पेंशन फॉर्म। एजिथ्रोमाइसिन का सस्पेंशन फॉर्म छोटे बच्चों के लिए यूज़ की जाती है। एजिथ्रोमाइसिन का सस्पेंशन 100 mg पर 5 ml और 200 mg पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, तीसरा है इंजेक्शन फॉर्म। एजिथ्रोमाइसिन का इंजेक्शन तुरंत इफेक्ट लाने के लिए इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन का इंजेक्शन 500 mg पर 10 ml वायल की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अब जानते हैं एजिथ्रोमाइसिन की ब्रांड नेम्स के बारे में। दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन एक जेनेरिक नाम है। ये मार्केट में कई अलग अलग ब्रांड नेम से अवेलेबल है, जैसे कि एजीसिप, एजी, एजिथ्राल, जिथ्रोमैक्स, जेथ्रिन, जिथ्रोक्स, जेडी। ये सब ब्रांड्स रेगुलर मार्केट में मिलती है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन और भी कई ब्रांड नेम से मार्केट में मिलता है। दोस्तों, अब जानते हैं एजिथ्रोमाइसिन के यूज़ के बारे में डिटेल में। दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में दी जाती है। जो हमारा गले का पार्ट है, लंग्स का पार्ट है, उसमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें ये दवाई असरकारक है। जैसे कि गले के पार्ट में टॉन्सिलाइटिस हो जाए या फेरिंजाइटिस हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए आप एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ कर सकते हो। या फिर यदि कोई पेशेंट को न्यूमोनिया हो जाए, जिसमें खांसी आती है, बुखार आता है, सांस लेने में तकलीफ रहती है, कफ बनता है, साथ ही चेस्ट में पेन रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक है, इसमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए भी ये दवाई दी जाती है। साथ ही में दोस्तों, किसी मरीज को बुखार है, गले में खारापन जैसा महसूस हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, गले में जलन जैसा फील हो रहा है, तो भी डॉक्टर द्वारा एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है और ये बहुत ही फायदेमंद रहती है। दोस्तों, यदि ईयर का कोई प्रॉब्लम हो या इसके कोई इन्फेक्शन लग जाए, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया, जिसमें पेशेंट के कान में सूजन आ जाती है, कान में दर्द होता है और बच्चों में कई बार इन्फेक्शन होने पर बुखार भी आ सकता है, तो उसमें यह दवाई दी जाती है। दोस्तों, ट्रैवल डायरिया नाम की एक बीमारी है, जिसमें यात्रा के दौरान दस्त लगना शुरू हो जाती है। उसका मुख्य कारण इंटेस्टाइन या पेट में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना है, तो उसको ठीक करने के लिए भी एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा स्किन या सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन है तो उसमें भी ये दवाई असरकारक है। दोस्तों, यदि कोई जेंसियल इन्फेक्शन हो, जैसे कि गोनोरिया, जिसमें पेनिस से डिस्चार्ज निकलता है, यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसमें ये दी जाती है। इसके अलावा जेंसियल इन्फेक्शन में क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हो जाए, जिसमें फीमेल में वजाइनल इन्फेक्शन होता है, जिसमें वजाइनल डिस्चार्ज रहता है, या यूरिनेशन के दौरान बर्निंग होती है, उसके ट्रीटमेंट में भी ये दवाई दी जाती है। दोस्तों, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसे हम STD इन्फेक्शन कहते हैं, उसमें भी एजिथ्रोमाइसिन काफ़ी कारगर है। दोस्तों, रिसेंट में जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, उसमें भी ये एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ किया जाता है। रिसर्च ऐसा कहता है कि ये कोरोना में हेल्पफुल रहता है। दोस्तों, कुछ बैक्टीरिया है जिसे एजिथ्रोमाइसिन
एजिथ्रोमाइसिन मार देता है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, लेगियोनेला, क्लेमाइडिया या फिर साल्मोनेला। वो ऐसे कई सारे बैक्टीरिया को एजिथ्रोमाइसिन दवाई है ये खत्म कर देती है और हमें डिसीज से बचाती है। दोस्तों जो मैंने लास्ट नेम लिया साल्मोनेला का, जिससे टाइफॉइड होता है, तो जब टाइफॉइड बीमारी हो जाए तो कई बार डॉक्टर द्वारा ये एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट लास्ट में 5 दिन के लिए दी जाती है, ताकि ये जो बैक्टीरिया का आंत में पूरा इन्फेक्शन लगा हुआ है वो पूरा खत्म हो जाए। दोस्तों अब जान लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन के डोज के बारे में। दोस्तों जनरली एजिथ्रोमाइसिन की डोज पेशेंट के एज और वेट के अनुसार और अलग अलग बीमारी में अलग अलग रहती है, परंतु दोस्तों हम कॉमन डोज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन अप्रोक्सीमेटली 10 mg/kg/day सिंगल डोज में दी जाती है। तो दोस्तों मान लीजिए किसी का 1 kg वेट है, तो उसे पूरे दिन में 10 mg एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, वो भी सिंगल डोज में। वैसे ही मान लीजिए किसी का वेट 50 kg है, तो उसे हम 500 mg पूरे दिन में दे सकते हैं, वो सिंगल डोज में भी दे सकते हैं और उसका आधा डोज करके 250 mg दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह इसका डोज कैलकुलेशन किया जाता है। दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन को 3 से 5 दिन तक दिया जाता है। यदि आपको इन्फेक्शन कम है तो उसको 3 दिन तक दे सकते हैं, और अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो उसे 5 दिन तक टेबलेट दे सकते हैं। दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन को खाने के बाद और खाने से पहले भी लिया जाता है। दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन को जितना खाली पेट लोगे इतने ही उसके इफेक्ट ज्यादा होगी, इसलिए एजिथ्रोमाइसिन दवा को मोस्टली खाने के 1 या 2 घंटे पहले या खाने के 1-2 घंटे बाद लेने को कहा जाता है, ताकि उसकी इफेक्ट पूरी मिले। दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनके लिए सेफ मेडिसिन है, फिर भी आप इसको डॉक्टर की सलाह के बिना सेवन ना करें। दोस्तों अब जान लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन की साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों जिस दवाई की इफेक्ट होती है उसकी साइड इफेक्ट भी होती है, पर दोस्तों दवाई में ऐसा होता है कि इसकी जो साइड इफेक्ट है वो हर एक को फील नहीं होती है, ये जो इससे सेंसिटिव है उसे ही होती है। दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन की जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें न्यूजिया और वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि मतली या उल्टी हो सकती है, दस्त लग सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम यानी कि सुनने में तकलीफ हो सकती है, विजन प्रॉब्लम यानी कि थोड़ी सी देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, या फिर किसी को एलर्जी भी हो सकती है, जैसे कि स्किन में खुजली आना या स्किन पे लाल चकते होना, ये सारे साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसके अलावा कोई अनवांटेड इफेक्ट आपको दिखाई दे तो तुरंत दवा का सेवन बंद करके अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों अब जान लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन की वार्निंग के बारे में। दोस्तों अगर आप एजिथ्रोमाइसिन से एलर्जिक है या फिर किसी भी मैक्रोलाइट एंटीबायोटिक से एलर्जिक है तो डॉक्टर को जरूर बताएं इसके बारे में। दोस्तों लिवर डिसीज या किडनी डिसीज है तो आप डॉक्टर को जरूर बताएं। दोस्तों यदि आप कोई एंटीबायोटिक पहले से ले रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर बताएं, जिससे कि डॉक्टर दवा का इंट्रेक्शन देख के आपको दवा प्रिस्क्राइब कर सके। अगर दोस्तों किसी को भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे एजिथ्रोमाइसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके कार्डियक इफेक्ट या क्यूटी प्रोलोंगेशन हो सकता है, जिससे पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। दोस्तों ओम फार्मेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।